नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, आज की ताजा खबर, आज जो खबर निकल कर आ रही है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और MDM रसोईया से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट हम आगे आपको वीडियो में देने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के द्वारा आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और MDM रसोईया के लिए जो है कि एक खास तरह का पैकेज तैयार किया गया है। इस पैकेज के माध्यम से अरबों रुपए का आवंटन राज्य सरकारों को केंद्र गवर्नमेंट करेगी। तो सारा खबर हम आपको बताएं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार, जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, MDM रसोईया को बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए जो है कि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद करोड़ों रुपए का बजट का जो है कि घोषणा सरकार करेगी और उस बजट के माध्यम से राज्य सरकारों को राशि का आवंटन होगा, जिससे राज्य सरकारें भी राज्यांश की राशि में वृद्धि कर पाएगी और केंद्र सरकार जो है कि केंद्रांश की राशि के लिए पैकेज तैयार कर चुकी है और MDM रसोईया को जिसको अभी तक अल्प मानदेय दिया जा रहा है, इन सबको जो है कि आशा कर्मी और जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जो है कि तमाम तरह की जो महिला कर्मी और स्कूल और विद्यालयों में और शिक्षण कार्यों के साथ साथ जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, MDM रसोईया की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से जो है कि केंद्रीय गवर्नमेंट ने इस बजट को तैयार किया है। इस बजट में अरबों रुपए का पैकेज है जिसकी मंजूरी जो है कि वित्त विभाग से मिल चुकी है और यह जो है कि लागू होने में अभी काफी समय नहीं है, बहुत कम समय में यह लागू होने वाला है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, MDM रसोईया के कार्यों के प्रति उनको दिए जाने वाले भुगतान की जो है कि मॉनिटरिंग कर रहा था और इस मॉनिटरिंग के क्रम में पाया गया कि भिन्न भिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और MDM रसोईया लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और उनकी मांग बस एक ही है कि उनको जो है कि कम से कम जो श्रमिकों को मजदूरी जो सरकार तय करती है, जिसमें जो है कि 611 रुपये प्रति कार्य दिवस की दर से भुगतान करने का नियम स्वयं राज्य सरकारों ने ही बना रखा है, उस नियम का तो कम से कम अनुपालन राज्य सरकारों को करना चाहिए। जो राज्य सरकारें उसका अनुपालन नहीं करती है, वह किस मुँह से ऐसा नियम बनाती है और कैसे ऐसा कानून बनाती है और प्रलोभन भरे वादे करती है जिसके तहत किसी भी मजदूर को भी 611 रुपये यानी कि 18,300 रुपये से अधिक का जो है कि वेतन देने का प्रावधान है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिता, ममता कार्यकर्ता और जो है कि MDM रसोईया जैसे कर्मियों को जो है कि अभी तक EPF यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इनका जो है कि रजिस्ट्रेशन और जुड़ाव भी नहीं हो पाया है। कहने का अर्थ यह है कि यह तमाम तरह के कर्मी अभी जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि की राशि से वंचित हैं और जिसका जो है कि खामियाजा इनके परिवार के लोग भुगत रहे हैं और लाखों की संख्या में इन कर्मियों के साथ जो है कि दोहन और दमन का खेल राज्य सरकारें खेल रही है। इसके विरुद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने तय किया है कि यदि केंद्र व राज्य सरकारें इनको समय से जो है कि EPF कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य एवं देश में तय दैनिक मजदूरी की दरों से भुगतान नहीं करती है तो ये तमाम कर्मचारी न्यायालय का रुख करेंगे और न्यायालय में सरकार को घसीटने का काम करेंगे। किंतु अब यह जो है कि खबर प्राप्त हो रही है कि तमाम कर्मियों के लिए केंद्र सरकार ने जो है कि वित्तीय प्रावधान कर एक जो है कि ऐसा बजट तैयार किया है जिसके तहत पैकेज बनाकर राशि का आवंटन केंद्र सरकार करने जा रही है। तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और MDM रसोईया न्यायालय जाने के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे लोग न्यायालय का रुख करेंगे और न्यायालय में जो है कि मुकदमा करके इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो इस वीडियो में कमेंट कर अपनी सहमति जाहिर करेंगे। साथ ही हम आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका मॉनिटरिंग कर रहा है और जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार व केंद्र सरकारों को जवाब नहीं मिलेगी। उससे पहले आपको एक बार और हम अपडेट कर देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो है कि एक ऐसा बजट, एक ऐसा
पैकेज तैयार किया है, जिसके तहत जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और एमडीएम रसोईया को 18,000 से अधिक वेतन देने की जो है कि बात सारी जो है कि तय की गई है, और जो है कि उसमें राशि का आवंटन और भरमार कर दिया गया है, जो जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। तो वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एमडीएम रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर हम आपको देते रहे। फिलहाल जो है कि राज्य सरकारें आनाकानी कर रही है, केंद्र सरकार जो है कि अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों को जो है कि 18,000 से अधिक करने के लिए राज्यांश की यह राशि कम से कम जो है कि 10,000 तक वृद्धि करना होगा, जिसमें केंद्रांश की राशि 8,000 वृद्धि करके जो है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को तोहफा देने पर राजी है, किंतु राज्य सरकारों की नासमझी और जो है कि राज्य सरकारों के जो है कि उदासीन रवैये के चलते यह मामला फंसा हुआ है। लेकिन जो है कि अब जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अनुसार एक बहुत बड़ा पैकेज तैयार किया है केंद्र सरकार ने, जिसका आवंटन सभी राज्यों में बहुत जल्द होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।